कोई भी वफादार नहीं होता। आज के युग में हमने अपने और गैर दोनों को आजमाया है। एक बात तो तय है, जब तक आप सहना नहीं छोड़ेंगे, लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। चाहे कितनी भी हिम्मत हो, अगर आदमी बिक जाए तो वो दो पैसे का भी नहीं रह जाता। शादी करने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी है। मतलब कि दोस्ती और जबरदस्ती का प्यार ज्यादा दिन नहीं चलता। किताबों में झुके हुए सर दुनिया में हमेशा उठे रहते हैं। पहले डर था कि कोई साथ ना छोड़ दे, अब इंतजार रहता है कि कौन अपनी औकात दिखाकर मेरी जिंदगी से दूर हो जाएगा। बहुत दौड़ते दौड़ते ये समझ आया कि अकेलापन भी एक मंजिल है। किसी भोले भाले इंसान से ज्यादा बुरा बर्ताव न करे, क्योंकि आईना जब टूटता है तो धारदार हथियार बन जाता है। एक टेढ़ा आदमी ही सबको सीधा रख सकता है। घर चाहे झोपड़ी हो या महल, सबको अपना घर प्यारा होता है। जिंदगी में उस काम का चुनाव करो जिसे आप पसंद करते हो, फिर देखना आप जिंदगी भर काम नहीं करेंगे। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या न करें, क्योंकि आधी दुनिया सोई रहती है लेकिन सूरज फिर भी चमकता है। शेर के पांव में अगर कांटा लग जाए, इसका मतलब यह नहीं कि कुत्ते राज करेंगे। सोच समझ कर बोलना इंसान का व्यक्तित्व बदल देता है। खुद पर भरोसा रखो। जैसे आपने अब तक जिंदगी के पड़ाव पार किए हैं, वैसे ही आगे भी पार कर लेंगे। भीड़ में मत चलो, अपना रास्ता खुद बनाओ और अपनी जीत खुद हासिल करो। जो इंसान घमंड नहीं छोड़ता, एक दिन उसे सब छोड़ देते हैं। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज भी घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है। पहले लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे, आजकल लोग ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। समस्या का समाधान बाद में करो, पहले समस्या पैदा करने वाले का करो। जैसे जैसे जिंदगी गुजरती है, ये एहसास होता है कि कोई किसी का नहीं होता। दरवाजे पर आपकी कद्र नहीं हो तो उसे बार बार खटखटाना बंद कर दो। लोग आसानी से कह देते हैं, बीती बात भूल जाओ, लेकिन उन बातों से हमारे ऊपर क्या बीता ये पूछना भूल जाते हैं। जो गलती बार बार दोहराई जाए, वो गलती नहीं, मर्जी होती है। अच्छे लोग बुरे वक्त में भी अच्छे रहते हैं। लोग आपकी पहचान बनाना बंद कर दें, उससे पहले अपनी पहचान खुद बना लेना। झूठ अगर धीरे से भी कहा जाए, सब सुन लेते हैं, लेकिन सच बोलो तो चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुनता। कभी कभी जिंदगी में अकेला रहना भी जरूरी होता है, खुद से बातें करने के लिए। प्रशंसा स्वीकार करने में विनम्रता होनी चाहिए और भूल स्वीकार करने में गर्व। जीवन का साथी ऐसा होना चाहिए जो रिश्तों में आए गलत फहमियों को सुलझाना चाहे, ना कि रिश्ता ही खत्म कर दे। हर सोच हमारा भविष्य बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। निभाना मुश्किल है, जाना तो हर किसी को आता है। छोटी सोच के लोगों को कोई भी चीज बड़ा नहीं कर सकती। रिश्ते कभी भी किसी तीसरे के कारण नहीं टूटते, बल्कि तब टूटते हैं जब अपने ही बेईमानी करते हैं। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से भी ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, चाहे रिश्ते टूट जाएं या कोई साथ छोड़ जाए। आजकल लोग बस अपना फायदा देखना जानते हैं। आप जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाएंगे, लोग उतना ही आपका दिल दुखाएंगे। आपके जज्बात और वक्त की अहमियत पैसे से भी ज्यादा है, इसीलिए उन्हें वहीं खर्च करें जहां उनकी कदर हो। लोग भले ही नाम से पहचाने, लेकिन याद इंसान के स्वभाव को रखा जाता है। दुख में कम। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, इंसान मतलब भी होता जाएगा। जब उसे जरूरत होगी तब आपके सामने झुकेगा, और जब जरूरत खत्म हो जाएगी तो पहचानना भी छोड़ देगा। जो आपको छोड़कर चला गया उसे याद न करें, और जो एक बार नजरों से गिर गया हो उसे फिर से उठाने में वक्त बर्बाद न करें। अगर आपके कुछ अपनों ने आपको छोड़ दिया है तो समझ लीजिए कि उनका आपसे मतलब निकल चुका है। लोग दिल के मासूम होते हैं और दिमाग वाले उनका पूरा फायदा उठाते हैं। दूसरों को खुश करने की कोशिश मत किया करो, क्योंकि उन्हें खुश करने के चक्कर में लोग अपनी खुशी खो देते हैं। आपके बारे में कोई और नहीं समझ सकता। आप क्या कर सकते हो ये सिर्फ आप ही जानते हो। ये वक्त ऐसा है कि जो वक्त के साथ खुद को नहीं बदलता, वो कहीं का नहीं रहता। जो जैसा व्यवहार करे उसी तरह से जवाब दे।
तभी आप आज के लोगों के साथ खड़े रह सकते हैं। जो सोचता है वो जिंदगी भर सोचता ही रह जाता है, और जो करता है वो एक दिन जरूर कामयाब होता है। चाहे आप कितने भी सफल हो जाएं, लेकिन जिनको बुराई करनी है वो तो करेंगे ही। मैंने लोगों से बात करना इसीलिए कम कर दिया क्योंकि मैंने उनकी बातें सुन ली हैं। दिल से फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है, दिमाग खुद ही रास्ता निकाल लेगा। अगर आप किसी का सहारा नहीं बन सकते तो कम से कम किसी के दुख का कारण भी मत बनो। मौके का इंतजार मत करो, मौका बनाया जाता है। जब तक आप सफल नहीं हो जाते, किसी को मत बताओ कि आप क्या कर रहे हो। सफलता की रेस में बने रहने के लिए हमेशा कुछ नया सीखते रहो। डर तब तक ही है जब तक आप उसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं। जिस दिन आपका डर खत्म हो गया, उस दिन आप कुछ भी कर सकते हैं। पैसा है तो दुनिया पूछेगी, नहीं तो अपने भी पहचानने से इनकार कर देंगे। जीवन में कभी भी निराश मत होइए, क्योंकि यह जिंदगी एक पल में बदल जाती है। सोचना बड़ी बात नहीं है, करना बड़ी बात है। झूठ तब तक सही है जब तक वो किसी की जान बचा सके। जीतने का असली मजा तब आता है जब हारने का डर हो। किसी के लिए आसानी से मत मिलो, नहीं तो लोग तुम्हें सस्ता समझ लेंगे। जिस दिन किसी ने तुम्हें पूरी तरह से समझ लिया, उस दिन वो तुम्हें बर्बाद कर सकता है। हे खुदा, मुझे अकेला रख, लेकिन उन लोगों से कभी मत मिलाना जो हमारी भावनाओं से खेलते हैं और चले जाते हैं। गलतियां इंसान को बहुत कुछ सिखाती हैं। यहां जरूरत ना हो तो लोग सालों के रिश्ते भूल जाते हैं। किसी के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े तो वहां हम बुरे ही ठीक हैं। जिनके पास ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। बुरा वक्त सब कुछ सिखा देता है। अब तो अपने भी धोखा देने लगे हैं। दुश्मनों की क्या बात करें, मोहब्बत की अपनी ही जिद होती है। चुप कराने के लिए भी वही चाहिए जो रुला कर गया हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज है मतलब, जिसके खत्म होते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। जिन्हें आप दिल से चाहते हो वही लोग अक्सर आपका सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं, क्योंकि वो आपकी कमजोरी को समझते हैं। माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि दोबारा धोखा खा जाओ। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग्स की कदर नहीं होती, उन्हें जबरदस्ती खींचने की कोई जरूरत नहीं है। जीतना किसके लिए और हार किसके लिए? जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगी, फिर इतना अहंकार किसके लिए? जिन्हें आप अपना समझते हो वही आपको सबसे ज्यादा दुख पहुंचाते हैं।